नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का जो मेंस का एग्जाम होना है उसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमको बहुत दिन से जो फॉलो करते हैं, चाहे जितना लड़के हैं, 10 ही लड़के क्यों ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पूरे सब लड़के फॉलो करते हैं, लेकिन जितना वो लोग हमसे, पता नहीं, हम ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ किए भी नहीं है, लेकिन हमसे, हमको बहुत ज़्यादा जो है धन्यवाद जो है भेज रहे हैं, या मतलब हम जब भी फ़ोन कर रहे हैं तो तारीफ़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पता है क्या कि जो आप कटअप बताए थे एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट उतना ही गया है। 53 से 55 हम बताए थे आपको जनरल यूअर का कटअप, बाकी सबका जितना भी कटअप बताए थे उससे एक एक नंबर जो है कटअप कम, 1-2 नंबर कम कटअप कम ही गया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं गया है। और बहुत सारे लोग जो है बोल दिए थे 70 जाएगा 75 जाएगा, तो उस टाइम में हमको बहुत सारा ऐसा कॉल आया था कि आप बहुत कम बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब आप बहुत कम बोल रहे हैं, कटअप इतना भी नहीं जाएगा, कि हाईकोर्ट में जो है 81 नंबर कटअप गया था। तो यहाँ, लेकिन जब भाई, जब हम इस एग्ज़ाम को जब दिए थे ना, तो हमको एक चीज़ का पता चल गया था, क्योंकि हाईकोर्ट का भी एग्ज़ाम दिए थे हम और इसका कोर्ट रीडर का भी एग्ज़ाम दिए थे, तो एग्ज़ाम में हमको ये पता चल गया था कि इसका क्वेश्चन का लेवल वाकई में बहुत टफ है। एक तो ये रीज़न था, दूसरा रीज़न ये था कि उस दिन कई एक सारा एग्ज़ाम था, फिर भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नामी नामी टीचर्स हैं, बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, सभी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी जो है आदरपूर्वक जो भी बोले कि वे लोग जो है एनालिसिस, वे लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे और उस लेवल का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं जो एज ए स्टूडेंट हम जो बोल सकते हैं। मतलब देखो भाई, हम पढ़ाते भी हैं, पिछले 10 से 12-13 साल से पढ़ाते भी हैं और सारा एग्ज़ाम भी देते हैं, तो एग्ज़ाम देने से वो चीज़ अपने आप आ जाता है कि हाँ, इसका कटअप जो है कितना जा सकता है, और जो हम बोलेंगे वो आपकी बात बोलेंगे, आपकी बात इन द सेंस कि जो स्टूडेंट का जो बात होगा वो, और एक जो टीचर बोलेगा, सिर्फ एक जो टीचर होगा वो जो बोलेगा, वो एक टीचर पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा। तो दोनों में ये चीज़ का फ़र्क है, और ये बहुत महीन फ़र्क है जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपीरियंस है, या जो कहिए इसको, तो उन सभी को जो मुझे, मतलब जो भी कहिए, तारीफ कर रहे हैं, जो कहें, उन सभी को नमस्कार, हाथ जोड़ करके प्रणाम, क्योंकि बहुत बहुत लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए। और मेरे साथ अभी बहुत सारे लड़के जुड़े भी हैं जो कि सिविल कोर्ट जो मेंस का एग्ज़ाम होना है इसमें, तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, किसी चीज़ का जो है गारंटी नहीं होता है, हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप ये चीज़ करिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आप कर लीजिए, आपका जो है इसमें से सेक्शन में से एग्जाम में आएगा, करना आपका काम है, हम आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको हाथ पकड़ के लिखने का कला या जो भी है वो नहीं बता सकते हैं, आपको फॉर्मेट बता सकते हैं, लेटर राइटिंग हो, एसे का हो, या मतलब कोई भी चीज़ हो, करना आपको है। तो इसलिए दोस्त, मेहनत कीजिए, मात्र 5 दिन, 5 से 7 दिन मेहनत कीजिए, उसके बाद नौकरी आपके हाथ में है। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं इसके बारे में, ये इतना फ्रेश जो है वैकेंसी हो रहा है ना, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, कहीं से आपको कोई ना चीटिंग हुआ है, ना आगे भी इसमें चीटिंग होने वाला है, बस बिहार गवर्नमेंट या जो कहिए सिविल कोर्ट का जो कमेटी है, मात्र एक गलती किया है, टाइम बहुत मिनिमम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कम दिया टाइम, मात्र जो है 8 तारीख को रिजल्ट आया, 17 तारीख को एग्ज़ाम होना है, 7 से 8 दिन टाइम दिया, उसमें भी 1-2 दिन जो है कोई ना कोई चीज़ कारण से जो है गैप हो जाता है, तो लड़का कितना दिन पढ़ेगा, मुश्किल से 7 से 8 दिन पढ़ेगा, सिलेबस इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो क्या क्या कर पाएगा, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो है जितना हो सकता है, आपको एक चीज़ बताते हैं दोस्त, कि आपको करना क्या क्या है अभी से, ठीक है, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, करना कितना चीज़ है, ठीक, कि देखिए, सबसे पहले आपको इसमें एग्ज़ाम कितना नंबर का होगा, 90 नंबर का एग्ज़ाम होना है, 50 नंबर का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है, 40 नंबर का जो है सब्जेक्टिव होना है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव है उसमें जो लेटर राइटिंग जो भी लिखिएगा
बहुत सारे ऐसे लड़के हैं मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं जो जिनको जो है 2 लाइन भी लिखने नहीं आता है, 4 लाइन पढ़ने भी नहीं आ रहा है ढंग से, मतलब इंग्लिश का। तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल आप फॉर्मेट पे फोकस कीजिए, केवल फॉर्मेट, लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट हम आपको दिए हैं, जितना सारा PDF दिए हैं या जो लिख के दे रहे हैं, उसका फॉर्मेट जो है बढ़िया से जो है पढ़िए, उसी को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो बीच में इंट्रो थोड़ा बहुत जो है, जो क्वेश्चन रहेगा उसी को इंट्रो में जो है आप डाल सकते हैं, और जो बॉडी पार्ट होगा उसमें थोड़ा बहुत आप ना भी लिखिएगा ना, दिस डेट केवल कर दीजिएगा, केवल फॉर्मेट सही रहेगा। तो उससे अगर आपको 5 नंबर का लेटर रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 2.5 नंबर मिल जाएगा, तो इतना ज़रूर करना है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं करना। आपको 2 नंबर भी अगर पहले से एक्स्ट्रा मिल जाता है तो समझिए कि आप मेरिट के लिए अप्लीकेबल हो जाइएगा, मतलब मेरिट में आने का उम्मीद रहेगा, ठीक है। और हिंदी पे जो है, हिंदी जो है आपका जो वर्ड से, जितना सारा वर्ड से रिलेटेड हिंदी है उसको जो है कंप्लीट कीजिए, उसको जो है लिख लिख करके, कभी भी पढ़िए अभी फिलहाल तो लिख करके पढ़िए, ये मेरा सजेशन है कि आपको लिख करके पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे रीडिंग लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, उससे जो उससे आपका नहीं होने वाला है भला, ठीक। तो जब भी आप पढ़िएगा तो एकदम जो है लिख करके उसको राइटिंग करके पढ़िए। और देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी अगर इंग्लिश का वर्ड पढ़े होंगे पहले से, वर्ड वर्ड मीनिंग बोल रहे हैं, एंटो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप उसको जो है कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हम 500 वर्ड दिए हैं, ठीक है, 500 वर्ड एंटो साइनो का दिए हैं, अभी आपको हम 250 से 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देंगे, तो आप इसको जो है लिख करके कीजिए, वहाँ से जो है आपका कंप्लीट होगा। दूसरा चीज़ है कि हिंदी पे आप जितना सारा दिए हुए हैं उसको जो है बढ़िया से कवर कीजिए। 40 नंबर में से अगर ये 40 नंबर है, यहाँ से अगर मात्र आप अगर 20 नंबर ला देते हैं तो आप एकदम मेरिट में रहिएगा। 20 नंबर वहाँ से लाइए, और 50 नंबर का जो इधर वाला जो क्वेश्चन पोर्शन होगा GK GS का, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, इसमें जो है अगर आप 50 नंबर में से 30 नंबर लाते हैं, मात्र कितना 30, और ये कितना हो गया 20, 50 नंबर मात्र लाते हैं 50, हम UR की बात कर रहे हैं, UR की, मतलब बहुत सारे लड़के आज हमको मैसेज किए, मतलब लड़की लड़का सब, कि कितना कट अप जा सकता है, तो सोचे कि चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ 50 नंबर लाते हैं तो एकदम आपको फुल गारंटी के साथ अभी बोल रहे हैं कि आपका जो है होने का एकदम 90% चांस रहेगा, 90% प्लस चांस रहेगा कि आपका जॉब हो जाएगा। इसमें कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं है, सीट बहुत ज़्यादा है, आप जो देख रहे हैं 11 साढ़े 11 समथिंग सीट है, 1200 के करीब करीब सीट है, इतना बहुत ज़्यादा सीट है, इतना सीट जल्दी से आता नहीं है टाइपिंग वाला पोस्ट में, इस टाइप के पोस्ट में। तो ये आपके लिए जो है एकदम रामबाण उपाय है कि आप इसमें ज़्यादा नंबर पर फोकस नहीं करना है दोस्त, आप मात्र जो है कितना 50 नंबर पे फोकस, 50 नंबर ओवरऑल, 90 में से मात्र 50 नंबर लाना है, और ये बड़ी चीज़ नहीं है नंबर लाना 50 नंबर, 20 नंबर जो हिंदी है ना आप उसमें 16 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, 16 नंबर एकदम ला सकते हैं, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और ये जो 50 नंबर का आपका जो है और इधर वाला जो पोर्शन है मैथ, रीजनिंग, GK GS ये सब, तो अगर आपका पहले से अगर सही मतलब अगर तैयारी थोड़ा सा भी ढंग का होगा, थोड़ा सा भी बोल रहे हैं, तो आप उसमें 25 से 30 नंबर जरूर ला दीजिएगा। लड़की के लिए बोल रहे हैं, लड़की अगर 40 नंबर ला रही है, UR कैटेगरी से है वो, 40 से 45 के बीच में अगर वो UR कैटेगरी से है, तो उसका होने का पूरा पूरा चांस रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको अभी ही मेहनत करना है, 3 से 4 दिन ही मेहनत करना है। आपको जो पूछना है ना नीचे हमको जो है लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग जो है लिख लीजिए, और वहाँ से जो है पूछिए जो पूछना है वो, लेकिन हाँ कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप जो है मैसेज लिख करके व्हाट्सएप पे जो है मैसेज लिख करके हमको शेयर कर दीजिए, मतलब वो मैसेज जो है सेंड कर दीजिए, हम जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आपको टाइप करके जवाब देंगे, या मन होगा तो कॉल भी कर लेंगे, लेकिन वो टाइम मतलब होगा तो कॉल भी कर लेंगे। तो यानी कि वो चीज़ आपको करना है, क्योंकि हमको बहुत सारा कॉल आते रहता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो भी कंटेंट है हम आप सभी को देंगे, और यही है मेरे साथ जो बहुत सारे लड़के ऐसे जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वही है कि मतलब मेरा सजेशन जो मानेगा
या मतलब जो भी है, अब हम क्या बोले कि मेरा ही मानेगा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक है कि अपना जो भी एग्जाम देने का एक अनुभव है, जो चीज जो कि आदमी फैलाता है, उस चीज को बांटता है, शेयर करता है। अगर आप लाभ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा एक चीज और बात आता है कि टाइपिंग कब होगा सर जी, टाइपिंग कब होगा इसका, टाइपिंग मतलब कब होना है, ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइपिंग कल जो है एडमिट कराना है, ठीक। कल जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, कल वेट कर लीजिए। वैसे जो नोटिस के अकॉर्डिंग हम देखें, नोटिस के अकॉर्डिंग, वैसे आप जो पहले, जैसे बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि नोटिफिकेशन जो आया था उसमें अलॉन्ग भी थे, यानी कि एक ही साथ जो है टाइपिंग और मेंस का एग्जाम का जो है जिक्र है। तो आप बताइए, उसमें पीटी का एग्जाम का जिक्र नहीं ना था, हम आपको पहले से बता रहे थे कि पीटी होगा, पीटी होगा, ठीक। दूसरा चीज़ है पीटी होगा, और दूसरा चीज़ है कि जब उसमें जिक्र नहीं था, दूसरा चीज़ है कि आपको अभी जो नोटिस दिया है एग्जाम लेने का, उसमें कहीं स्किल टेस्ट का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा जहाँ तक दिमाग ये माथा कहता है कि एग्जाम जो है टाइपिंग का उसके बाद होगा, मतलब इसके बाद होना है। लेकिन जो है कल, कल जो है चेक कर लीजिए, कल यानी कि आपको कल एडमिट कार्ड आना है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें पूरा मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ होगा, क्या क्या चीज़ नहीं होगा। अगर केवल पेपर होगा तो ठीक है, खाली खाली पेपर का जो तैयारी कीजिएगा, और जो पेपर नहीं, अगर टाइपिंग भी होगा तो ठीक है, टाइपिंग भी देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए दोस्त कल, कल भर का जो है हम उसके लिए वेट कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो बाकी जो प्रेडिक्शन होगा वो ऑथेंटिक होगा, जो भी हम बोलेंगे जेन्यून बोलेंगे, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पे बोलेंगे। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट जो है सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए भी, या प्यून के एग्जाम के लिए भी, अभी से आगे आपको टाइम नहीं मिलना है तो क्लर्क के एग्जाम के लिए और प्यून के एग्जाम के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और उसका भी वही है 7255005616, इसका जो मेरा जो मोबाइल नंबर है यानी व्हाट्सएप नंबर है उससे आप जुड़िएगा, 7255005616, सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून के एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी करते होंगे तो उसके एग्जाम के लिए जो है होमवर्क सीरीज चलाते हैं, जो कि आपको 18 तारीख से फिर दोबारा जो है स्टार्ट करेंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए फ़ी जो है शुरू से हम 201 रुपया रखे हुए हैं, इसलिए फ़ी रखे हुए हैं कि ताकि जो है सिंसियर लड़का जो है उस ग्रुप में ऐड हो, वहाँ से जो है पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है। यही चीज़ है, बाकी यूट्यूब पे हम ज़्यादा वीडियो इसलिए मतलब सोच रहे होंगे कि वीडियो सब सब कोई वीडियो बना रहा है, आप वीडियो नहीं बना रहे, उसके पीछे रीज़न है भाई, हम मेहनत करते हैं ग्रुप में, या जिससे हम कुछ पैसा लिए हुए, थोड़े सा पैसा लिए हुए लेकिन लिए हुए हैं, तो उनके प्रति मेरा फुल डेडिकेशन रहता है, उनके लिए हम मेहनत करते हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा इधर कम वीडियो बनाते हैं। बाकी जो है, और दूसरा है कि और भी पढ़ाते लिखाते हैं तो थोड़ा उधर भी जो है ध्यान देना होता है, ठीक है दोस्त। तो फिर मिलते हैं, और भी आपको अगर मन में कोई डाउट हो या कोई शंका हो या कोई संदेह हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, और उसका जो है सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। और देखिए, अगर कभी ये होता है कि आप, अगर आपको अगर लगता होगा कि हम कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो देखिए हो सकता है कि हम कमेंट का जवाब ना देते हों, लेकिन आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं और उसको जो है संज्ञान में लेते हैं, ठीक है। उसके जो है उस पर जो है रिएक्ट आपको अगला वीडियो में करेंगे, या मोबाइल नंबर के, मोबाइल के जरिए कर देंगे, फ़ोन के जरिए या कुछ भी, लेकिन आपको जो है पढ़ते सारा कमेंट है, आपका हर एक कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, सो बात नहीं है, ठीक है। और जहाँ जवाब देने का होता है वहाँ दे भी देते हैं, तो अनर्गल कुछ कुछ बात होता है उस पर नहीं बोलते हैं, कोई बोलता है कि हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब विश्वास नहीं है कि आप पैसा लेके, अरे भाई आपका हम 200 रुपया लेके भागने वाले नहीं हैं, हम स्थिर इंसान हैं। और दूसरा चीज़ है कि आप हमको जहाँ एग्ज़ाम होगा वहाँ पे ज़रूर पाइएगा, ठीक है, वहाँ पे हम रहेंगे पटना में, हम खुद एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे, आपसे मिलेंगे, सभी से मिलेंगे, जो भी लोग मिलना चाहेंगे पटना में, वहाँ पे हम सबसे मिल करके आएंगे 17 तारीख को,
ठीक है दोस्त। तो धन्यवाद, आप लोग जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जरूर जुड़े, आपको बेनिफिट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।